आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम अरब स्प्रिंग या फिर अरब अवेकनिंग की बात कर रहे हैं। 2010 में शुरू हुआ ये और कुछ कुछ शहरों में तो अभी तक जारी है। ये पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, पार्ट टू ये है उसका भाग दो है, आप जरूर देखिएगा पार्ट वन। उसमें हमने बात की थी मोहम्मद बुआजीजी और तुनिशियन रेवोल्यूशन की। कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज को लेके, मेरे फेसबुक पेज से @education कनेक्ट, बिल्कुल लाइन सीधी खिंच गई, क्या बात है, आप उससे पूछ सकते हैं, उस पर पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा, ठीक है। और सारी क्वेरीज मैं आंसर करता हूं, कोई भी छूटती नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा अभी तक हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि मोहम्मद बुआजीजी एक बहुत ही मॉडेस्ट काइंड इंसान 17 दिसंबर 2010 को आग लगा लेता है। भैया क्यों लगा लेता है, ऑफिशियल्स जो हैं बहुत उसको परेशान करते हैं, स्ट्रीट वेंडर होता है बेसिकली वो, जो फल फ्रूट सब्जी मतलब जो फल बेचते हैं वो होता है, वो फ्रूट सेलर होता है, और परमिट ना होने के कारण उसके सारे फल जो है वो कॉन्फिस्केट कर लेते हैं जो म्युनिसिपल ऑफिसर्स होते हैं। इसकी वजह से इससे तंग आके, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं देते हैं घूस देने के लिए, तो इससे तंग आके वो आग लगा लेता है। 11:30 बजे ये इवेंट होता है और शाम को ये पूरा का पूरा वीडियो वायरल हो जाता है। ये जो चिंगारी है ये बहुत जल्दी आग बन जाती है, तुनिशिया में ये सब होता है और उसके बाद भयंकर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं। तुनिशिया में रेवोल्यूशन शुरू हो जाते हैं, 4 जनवरी को मोहम्मद बुआजीजी की डेथ हो जाती है, और ये जो है ये रेवोल्यूशन एक बहुत लंबे अरसे के रूल को खत्म कर देता है, बेन अली, ठीक है। बेन अली वहां के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सब वही होते हैं, एक्चुअली वो डिक्टेटर ही होते हैं। 1987 में वो सत्ता संभालते हैं तुनिशिया की, और तब तक मतलब 2000 ये पूरा 10 तक रहते हैं, ठीक है, और 2011 में फाइनली वो स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी थी, और स्टेप डाउन क्यों करते हैं, क्योंकि पब्लिक का बहुत प्रेशर होता है, फाइनली टूनिशिया में डेमोक्रेसी आ जाती है। और मैं आपको एक बता दूं, अरब स्प्रिंग का अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा मिला है तो वो टूनिशिया ही को मिला है, ठीक है। यही एक ऐसी कंट्री है जिसने बिल्कुल अपने आप को रिफॉर्म कर लिया और यहां पे डेमोक्रेसी आ गई। अब इस लेक्चर में मैं आपको टाइमलाइन दूंगा, पहले तो मैं बताऊंगा कि कैसे ये और शहरों में फैला, हम उन शहरों की भी बात करेंगे, मैप देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन होगी, ठीक है। और इसकी जो PDF है वो आपको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है, और मेरे फेसबुक पेज पे भी इसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहां से उठा लीजिए, स्टडी आईक्यू से उठा लीजिए, चाहे मेरे फेसबुक पेज से उठा लीजिए, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगी काफी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो रेवोल्यूशन है ये पूरी दुनिया में फैला। देखिए, टूनिशिया में रेवोल्यूशन हुआ, पहली बात तो रेवोल्यूशन के कॉज एक तो डिक्टेटरशिप थी, ठीक है, और दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था, स्पेशली ये मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में काफी अनएम्प्लॉयमेंट था, और दूसरी बात उनको अब नए अपॉर्चुनिटीज, नए एजुकेशन सिस्टम पूरा चाहिए था, इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होना था, तो ये सारे कॉज थे। बेसिकली अथॉरिटेरियन स्टेट जो थी, जो टोटलिटेरियन स्टेट थी, दबा के रखा था। देखिए, 30-30 साल अगर कोई राज करेगा तो 110% कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है, फ्रिक्शन आएगा ही आएगा, 30 साल बहुत, 30-40 साल बहुत बड़ा रूल हो जाता है, ठीक है। तो एकदम अपनी वो जागीर समझ लेते हैं कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं होता, सबको गिरना होता है, ठीक है। तो ये क्रांति तो ऐसे ही होती है, लोग एकदम स्लीपिंग रेवोल्यूशन था, सो रही थी और चिंगारी की जरूरत थी, चिंगारी भड़की, आग बन गई, रेवोल्यूशन हो गया। तो तुनिशिया से फैला ये, फिर ये सीधा गया इजिप्ट, इजिप्ट से गया लीबिया, यमन, सीरिया होते होते इसने सबको अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन हालात जो थे ना, कुछ कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा बिगड़ गए, स्पेशली लीबिया में बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं, अभी तो बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए हैं, और सीरिया में तो बिल्कुल कबाड़ा होकर रखा हुआ है। सीरिया की हम स्पेशली अभी बात करेंगे, सेपरेटली हम सीरिया की बात करेंगे कि एक्चुअली वहां पर चल क्या रहा है, और यमन भी बिल्कुल सिविल वॉर की चपेट में है। तो लीबिया, यमन, सीरिया, ये पूरा का पूरा सिविल वॉर की चपेट में है, ठीक है। तो ये बड़ा दिक्कत है, लेकिन रेवोल्यूशन तो फैला, वैसे तो और भी कंट्रीज में फैला, जॉर्डन, मोरक्को, काफी कंट्रीज में फैला, ठीक है। तो लेकिन ये मेन सिटीज हैं जो इफेक्ट हुए, ठीक है। इजिप्ट में भी होस्नी मुबारक का बहुत लंबा रूल था, वो फाइनली वो खत्म होने को आया, ठीक है। अब उसके बाद इसी को देखते हुए और ये अफ्रीकन देश में फैला, मोरक्को हो गया, इराक हो गया, ये तो शिया डोमिनेटेड स्टेट है, इराक और ईरान, अल्जीरिया, फिर
ईरान, कुर्दिस्तान, लेबनान, जॉर्डन, ये सारी जगह पे फैला। और जो स्लोगन था ना, जो द पीपल वॉन्ट टू ब्रिंग डाउन द रिजीम, ये स्लोगन था। इस स्लोगन के साथ आगे बढ़े, ठीक है। वैसे तो बशर अल असद के लिए एक अलग से स्लोगन बनाया गया था, असद वेक अप योर टाइम इज अप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इजिप्ट के बारे में देखते हैं। अब देखिए सारी कंट्रीज तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मेन कंट्रीज है मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इजिप्ट में क्या हुआ। इजिप्ट की कहानी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। इजिप्ट में होस्नी मुबारक का बड़ा लंबा रूल था, ठीक है। कौन से साल में पावर में आए थे जरूर बताइएगा, लेकिन काफी लंबा रूल था। चलिए पहला क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा। होस्नी मुबारक तो इनका बहुत लंबा रूल था, अपनी जागीर समझते थे, बहुत प्रोटेस्ट को कुछ भी, मतलब इनकी ही पूरा राज था, ठीक है। तो अब लोग परेशान तृप्त, सबने बोला कि यार टूनिशिया में रेवोल्यूशन हो सकता है, इतनी छोटी सी कंट्री, इतना लंबा रूल, अगर वो इसको हटा सकती है तो हम क्यों नहीं, हम बिल्कुल हटाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूं इजिप्ट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री रहा है। 1961 में इन्होंने तो अरब यूनिटी की पूरा का पूरा मतलब एक चार्टर भी तैयार कर लिया था, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड होना चाहिए, एक अरब की यूनिटी होनी चाहिए, एक अरब पूरा का पूरा एक अरब वर्ल्ड होना चाहिए, और उसका लीडर कौन था, इजिप्ट। कर लिया था, लेकिन बहुत कारण के वश में वो, बहुत उसके कारण थे जो वो पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है। इसमें सीरिया भी था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी, और इजिप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री शुरू से ही रहा है। लीबिया के तो फेवरेट थे भैया, यहाँ के लीडर जो थे नासिर, हीरो थे वो मोहम्मद गद्दाफी के। मोहम्मद गद्दाफी कौन, वही लीबिया के डिक्टेटर, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे जो इजिप्ट के लीडर थे उनसे, मोहम्मद अल गद्दाफी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो होस्नी मुबारक का लंबा रूल, लोग परेशान, अब बोलते हैं टॉपल डाउन करो, हमको डेमोक्रेसी चाहिए। अब इजिप्ट में हुआ क्या, बेसिकली लोग मांग रहे थे डेमोक्रेसी, ठीक है भैया। रेवोल्यूशन होता है, होस्नी मुबारक को जेल होती है, आ गई डेमोक्रेसी। अब यहां पे क्या होता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड आगे आता है, ठीक है। मोहम्मद मोरसी जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। कुछ दिनों बाद भैया आर्मी कहती है, तुम लोग कुछ डेमोक्रेसी नहीं ला पाओगे, कुछ नहीं, तुम लोग सेक्युलर रेगुलर कुछ नहीं हो, हम लाएंगे, हम असली डेमोक्रेसी तुम्हारे लिए लाएंगे। तो मोहम्मद मोरसी को हटा के सत्ता कौन हथिया लेता है, मिलिट्री। तो इस समय वहां पर मिलिट्री का राज है। उन्होंने मुखौटा खाली ओढ़ा हुआ है कि डेमोक्रेसी आ गई है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, पूरा का पूरा मिलिट्री रूल है। फतेह एलसीसी अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, और वो पूरा मिलिट्री का सपोर्टर है, ठीक है, उन्हीं के ही आदमी है। तो इस तरह का इजिप्ट का ये हाल हुआ है। अब इसमें दूसरी बात यह है कि अब आप बोलेंगे कि भैया रेवोल्यूशन आया था तो इजिप्ट में तो प्रॉपर डेमोक्रेसी आनी चाहिए थी। देखिए हुआ क्या, रेवोल्यूशन तो आया था, लेकिन आप आर्मी से कैसे लड़ेंगे, आप आर्मी से नहीं लड़ सकते, ठीक है। उनके पास जितने मॉडर्नाइज हथियार हैं और जितना सप्रेस करने की ताकत आर्मी में होती है, वो हम लोग में नहीं है, हम लोग योद्धा नहीं है, आम आदमी योद्धा नहीं होता, ठीक है, उनको ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो आर्मी से मुकाबला ही नहीं। तो इजिप्ट में आर्मी का पूरा रूल आ गया, बहुत ही चालाकी तरीके से उन्होंने वही चीज हथिया ली जो पहले थी, जो इजिप्ट में पहले से चली आ रही थी, उन्होंने अब एक्चुअली वही चीज है, बस एक मुखौटा ओढ़ लिया है कि भैया डेमोक्रेसी है ना। तो ये इजिप्ट में चल रहा है अभी इस वक्त। हमको गर्व होना चाहिए कि हमारी आर्मी जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लिबरल है, ठीक है, कभी भी ब्रुटैलिटी नहीं करती है, ठीक है। हमारी आर्मी ने बहुत ज्यादा ब्रूटल स्टेप कभी नहीं उठाए हैं, वो चाहती तो उठा सकती थी, ठीक है, जैसा कि पाकिस्तान और चाइना में होता है, लेकिन हमारी आर्मी में ऐसा नहीं हुआ है। अब इससे बहुत लोग असहमत भी होंगे, बिल्कुल हुई है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, योर व्यूज आर वेलकम, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्यार से बोलिएगा, ओके। चलिए तो प्रोटेस्ट जो हुआ इजिप्ट में 25 जनवरी 2011 से शुरू हुआ और 18 दिन तक चला, ठीक है। वहां पे तहरीर स्क्वायर है कायरो में, जो कि कैपिटल है इजिप्ट की, लोग इकट्ठा हुए वहां पे, वी वांट डेमोक्रेसी चिल्ला रहे थे, और जो होस्नी मुबारक के बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स उड़ रहे थे उनके सर के ऊपर से, डरा रहे थे। लोग बोलते हैं गिरा दो, हम यहां मर नहीं आए, तुम क्या ऐसे डरा रहे हो, गिरा दो, मर नहीं आए। तो ऐसा नजारा था भैया, ठीक है। बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया होस्नी मुबारक का, जो बहुत ही लंबा रूल था, ठीक है, बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने भी पूरी की पूरी कोशिश की होस्नी मुबारक ने कि इन सबको पूरा सप्रेस किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। तो फाइनली होस्नी मुबारक को हटना ही पड़ा और नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है,
मतलब क्या हुआ था कि जो मिलिट्री थी उस समय रोल में आई थी और इजिप्शियन पार्लियामेंट को उन्होंने उस समय डिसॉल्व कर दिया था और एक सिविलियन एसाम शराफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, ठीक है। अब उसके बाद फिर इलेक्शन हुए और उसमें मोहम्मद मोरसी जीत के आए, फ्री इलेक्शन हुए थे, मोहम्मद मोरसी जीत के आए थे और हॉस्नी मुबारक को आजीवन कारावास हो गई थी। लेकिन उसके बाद जैसा कि मैंने बताया आर्मी पिक्चर में आ गई, हटो 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 तुमको कुछ नहीं आता, डेमोक्रेसी हम लाते हैं, इस समय फतेह एल सीसी हैं। तो इस तरह का कुछ खेल चल रहा है अभी इजिप्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लीबिया, वैसे तो मैंने लीबिया पे पूरे दो लेक्चर ही बना दिए हैं, मेरा मोअम्मर अल गद्दाफी का लेक्चर आप जरूर देखिएगा, तो उसमें मैंने पूरा का पूरा वो लीबिया के ही डिक्टेटर थे पूरा समझाया हुआ है। फिर भी मैं आपको एक जिस्ट दे देता हूँ, एक समरी दे देता हूँ। देखिए क्या हुआ था कि 1951 में लीबिया जो था वो आजादी लीबिया को मिली थी, ठीक है। किससे आजादी मिली थी भैया? इटालियन से, ठीक है। तो छोड़ के गए थे इनको, 1951 में फाइनली लीबिया आजाद हो गया था। किंग इद्रिस उस समय पावर में आए थे और उस समय किंग इद्रिस पावर में थे, लेकिन इनका रूल बहुत करप्ट था, प्रो वेस्टर्न थे, बहुत वेस्टर्न पावर्स को सपोर्ट करते थे, करप्शन बढ़ा। उदय हुआ मोअम्मर अल गद्दाफी का, 1967 में ओवरथ्रो कर दिया, तख्ता पलट कर दिया और तब से जो मोअम्मर अल गद्दाफी है वो लीबिया में पावर में थे। डिक्टेटरशिप पूरी की पूरी तानाशाही उन्होंने चला दी थी। शुरू में तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही लिबरल रिफॉर्म लेके आए थे मोअम्मर अल गद्दाफी, लेकिन भैया कुछ सालों बाद उन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोल दी, बोला कि लो जो पब्लिक का है वो पब्लिक का है, सारे लॉ एंड ऑर्डर हटा लिए जाएंगे, अब सब कुछ पब्लिक रूल करेगी। बहुत तबाही हुई, कोई भी जस्टिस उस समय नहीं होता था जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उन्होंने ऐलान किया था, किसी को भी कोई जस्टिस नहीं मिलता था, गुंडों का राज, माफियाओं का राज और गलियां जो थी वो सूनी हो गई थी, सारे व्यापारी देश छोड़ के चले गए और बहुत हालत खराब हो गई थी। और उसके बाद मोअम्मर अल गद्दाफी जो थे वो टेररिस्ट को भी काफ़ी फंडिंग करते थे, रेवोल्यूशनरी ग्रुप को भी काफ़ी फंडिंग करते थे, तो वेस्ट के आंखों में ये नासूर बन गए, उन्होंने बोला इनको अब हटाना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ कि ये जो थे शुरू से ही अरब यूनिफिकेशन चाहते थे, ठीक है, मोअम्मर अल गद्दाफी शुरू से इसके फेवर में थे कि एक थर्ड वर्ल्ड होना चाहिए, यूएसए और रशिया कंट्रोल करती है कोल्ड वॉर के टाइम में, एक थर्ड वर्ल्ड बना दो, अरब वर्ल्ड बना दो, तो शुरू से ये यूनिटी चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है, ऐसा हो नहीं पाया। तो 2010 तक ये पूरा का पूरा लगे रहते इसी में ही, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये रेवोल्यूशन हुआ तब लीबियन लोगों को भी समझ में आ गया बहुत अच्छा मौका है। हालांकि इस समय तो लीबिया में काफी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स बनते रहते हैं और कंप्लीट सिविल वॉर है लीबिया में और बहुत ही हालत खराब है लीबिया की, ठीक है। इससे अच्छा तो मोअम्मर अल गद्दाफी में ही थे, लेकिन इस समय लीबिया बिल्कुल सिविल वॉर की चपेट में है, है ना। तो क्या हुआ कि जब लीबिया में 15 फरवरी 2011 में प्रोटेस्ट शुरू हुए, ट्यूनिशियन रेवोल्यूशन से भैया सब स्टार्ट हुआ है, जनवरी 2010 से शुरू हुआ और देख लीजिए 2011 फरवरी आते आते कहां कहां तख्ता पलट होने लगे, ठीक है। तो यहां पे स्टार्ट शुरू हो गए पूरा का पूरा, मतलब वैसे तो बेंगाजी में शुरू हुए थे, जो कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, कंट्री है लीबिया की। अच्छा, लीबिया की कैपिटल क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, आज का दूसरा सवाल कमेंट बॉक्स में बताइए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लीबिया। वैसे थोड़ा सा आसान है लेकिन फिर भी बताइए। तो उसके बाद क्या हुआ, नेटो ने और वेस्टर्न पावर्स में मिलके उन्होंने सोचा, जो वेस्टर्नर्स थे और नेटो ने, कि भैया बहुत अच्छा मौका है, मोअम्मर अल गद्दाफी वैसे ही आंख के नासूर थे अमेरिका और इन सब के, उन्होंने बोला देखिए अमेरिका तो एक तो बहुत ही चालाक कंट्री है, दो देशों को लड़वाता है उसके बाद दोनों को हथियार सप्लाई करता है, ठीक है, तो उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। तो उन लोगों ने बोला, वेस्टर्नर्स ने सोचा अब बमबारी यहां पे करते हैं, ठीक है, तो लीबिया पे बमबारी शुरू कर दी। अब उसके बाद इनका कुछ पता नहीं, मोअम्मर अल गद्दाफी, ऐसा बोला गया कि इसी प्रोटेस्ट के चक्कर में ये मर गए, प्रोटेस्ट मतलब जो इनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था लीबियन लोग कर रहे थे, उसी की वजह से नेटो ने बमबारी की, जिसकी वजह से, और उसी एक बम में मोअम्मर अल गद्दाफी मर गए। अच्छा, प्रोटेस्टर को मोअम्मर अल गद्दाफी बोलते थे ड्रग एडिक्ट है, टेररिस्ट है, बेकार के लोग है, इसकी वजह से गुस्सा और भड़का, ठीक है। नो फ्लाई जोन भी उसको पूरा घोषित कर दिया था यूनाइटेड नेशंस काउंसिल में, तो वैसे भी चीजें होनी थी, तो ऐसा बोला जाता था कि नेटो की बमबारी में इनका काम तमाम हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक वीडियो आया जिसमें गद्दाफी जो थे उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया पब्लिक ने, और बहुत ही ब्रूटल वीडियो था ये, फुटेज जो थी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, ठीक है।
गद्दाफी जैसे ही मरे, जैसे इनकी डेथ हुई, सिविल वॉर शुरू हो गया और इस समय तो लीबिया की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी है। चलिए यमन पे आते हैं। देखिए यमन पे भी यही चीज लागू होती है, वहां पे भी इस समय सिविल वॉर चल रहा है। मास डेमोन्स्ट्रेशन हुए मिड जनवरी 2011 में ये शुरू हुए, ठीक है, और उसके बाद अगेन ये चीजें बढ़ती गई, कम नहीं हुई, बढ़ती गई। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स मांग कर रहे थे कि नया कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट और ये इकोनॉमिक कंडीशन, करप्शन, ये सब हटना चाहिए, ये जो थी ये उस समय तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन धीमे 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 इनको दबाया गया, लेकिन फर्क नहीं इतना पड़ा। प्रेसिडेंट अली अब्दुल सहले, इनका इमीडिएट रेजिग्नेशन मांगा उस समय लोगों ने, ठीक है, लेकिन ये हुआ नहीं। और फिर मेजर डेमोन्स्ट्रेशन हुए, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, 16,000 प्रोटेस्टर ने 27 जनवरी को सना, जो कि यमन की कैपिटल है, वहां पर प्रोटेस्ट किया, और 3 फरवरी को 20,000 प्रोटेस्टर्स ने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया सना में। इससे हालत खराब हो गई और अब्दुल सहले ने तुरंत सऊदी अरब निकल गए वो ट्रीटमेंट के लिए, और पूरी की पूरी पावर जो थी वो वाइस प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर दी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस समय पूरा का पूरा सिविल वॉर छिड़ा हुआ है यमन में भी, और काफी स्ट्रगल वहां पे भी जारी है, ठीक है। अगेन फ्री इलेक्शंस हुए और फाइनली जो थे वो हैदी आए थे, और यही ओनली कैंडिडेट थे, और इनकी जगह पे ये आए थे, ठीक है, आप ये नाम देख सकते हैं, मंसूर एल हदी। तो ये प्रेसिडेंट आए थे, इनकी जगह पे चुने गए थे। अब सीरिया की हालत देखिए बहुत बुरी है। वैसे तो अगर मैं सीरिया की बात करूं तो कम से कम मुझे 2 घंटा लगेगा समझाने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं इसको क्या कहते हैं कि समेटने में बहुत ही कम वक्त में। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं। देखिए सीरिया में 2010 से चीजें शुरू हुई और अभी तक चल रही हैं, तो लगभग 8 साल हो गए हैं, वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा समय हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज्यादा, और ऐसी खिचड़ी बना हुआ है सीरिया कि किसी को कुछ नहीं पता कि कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, कितने ग्रुप हैं, कौन है, किसके खिलाफ लड़ रहा है, कुछ भी नहीं सीरिया में पता है। इसमें पिस रही है आम जनता, 5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 10 लाख से ज्यादा घायल, 1.5 करोड़ इधर उधर डिस्प्लेस, कोई भी किसी की नहीं सुन रहा है, पीस टॉक्स खाली टेबल पे होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ग्रुप्स हैं बशर अल असद, एलवाइट समुदाय के हैं ये, ठीक है, इनके पूरे पिताजी का राज है, और बहुत ही मतलब पिताजी का इन द सेंस कि इनकी पूरी फैमिली का बहुत सालों से सीरिया पे राज रहा है, और यही जो है पूरा का पूरा यही मतलब इन्हीं का ही पूरा रीन जो है वो चलता आया है सदियों से सीरिया पे, ठीक है। इनकी जो पार्टी है उसका नाम है अरब सोशलिस्ट बैक पार्टी, ठीक है, सीरिया रीजन की है ये पूरा का पूरा, ठीक है, तो ये उसका नाम है, बहुत सालों से ये रूल कर रहा है, एलवाइट सेक्ट के है ये, और शिया है बेसिकली, ये शिया और सुन्नी का ही पूरा का पूरा खेल है, ठीक है। ये शिया है तो जाहिर सी बात है जितनी भी शिया कंट्रीज है इनको सपोर्ट करेंगी, इराक हो गई, ईरान हो गई, और जितनी सुन्नी कंट्रीज हैं वो किसको सपोर्ट करेंगी, वो इनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगी, जैसे कि टर्की, बिल्कुल भी टर्की भैया सपोर्ट नहीं करता है। तो 2 ग्रुप हो गए हैं, एक इनको सपोर्ट करने वाला बशर अल असाद को, दूसरा इनके अगेंस्ट में है, ठीक है, सपोर्ट अमेरिका हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका टर्की हो गया, फिर इसराइल भी, अभी इसराइल का एक्चुअली एक बॉम्ब गिरा दिया था, ठीक है, 2017 में या 2018 में, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है, तो वो भी कूद पड़ा, ठीक है, इसराइल में कूद पड़ा। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर तो हर जगह अपनी प्रेजेंटेशन पीपीटी लेके घूमते रहते हैं, ठीक है, कहीं पे भी उनको जरूरत होती है पीपीटी निकालते हैं, फटाक से दिखा देते हैं, देखो भैया ये लगता है पूरी सरकार उनकी पीपीटी पे चलती है ना, तो ये कुछ कंडीशन है वहां पे। और इसमें सऊदी अरेबिया भी इनके अगेंस्ट में है, वो सुन्नी मेजोरिटी में, तो जितने भी सुन्नी मेजोरिटी के वो बिल्कुल इनके अगेंस्ट में है। देखिए शिया और सुन्नी, शिया कौन होते हैं, ब्लड लाइन, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद की ब्लड लाइन, ठीक है, और जो ब्लड लाइन नहीं है वो सुन्नी है, ठीक है। खैर इस पे भी स्टडी आईक्यू पे एक लेक्चर अवेलेबल है, तो इन पे भी तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये सारी वहां पे पूरी की पूरी खिचड़ी पकी हुई है इस समय सीरिया में, और सब अपने इंटरेस्ट के लिए वहां पे काम कर रहे हैं, बहुत ही हालत खराब हुई है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 26 जनवरी, वैसे मैं अभी बता रहा हूं, 26 जनवरी 2011 का प्रोटेस्ट शुरू होता है, ठीक है, और 6 मार्च जो है, एक तो वहां पे प्रॉब्लम ये हुई थी कि ब्रुटैलिटी बहुत ज्यादा हुई थी, चिल्ड्रंस पे, औरतों पे, लोगों पे बहुत ज्यादा, इस प्रोटेस्ट जैसे ही वहां पे ब्रेकआउट हुआ जबरदस्त तरीके से ब्रुटैलिटी हुई थी। करना क्या चाहिए था बशर अल असद को,
चुपचाप एक बहुत ही अच्छा तरीका निकालना चाहिए था, ठीक है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे निकालना चाहिए था, लेकिन इसके ठीक उलट असत ने गोलियां चलवा दी। उन्होंने गोलियां जैसे ही चलवाई, ऐसा जबरदस्त तरीके से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कि हर किसी को चपेट में ले गया। अब इसमें आइसिस कहां से आया है? देखिए, आइसिस जो है, अब आइसिस जो है वो इराक का एक पार्ट कंकर करके यहां पे घुसा, ठीक है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है एक तरह से आइसिस जो है, ठीक है, इराक का एक पार्ट कंकर किया और यहां पे उसने पूरा का पूरा अपना डेरा जमाया, ठीक है, यहां पे सीरिया में। तो ये पूरा का पूरा अलग अलग ग्रुप्स बटे हुए हैं और खुद भी नहीं पता कौन किसके साथ लड़ रहा है। तो ये सारी चीजें थी। तो ये सीरियन रेवोल्यूशन के नाम से ये फेमस हुआ, ठीक है, और 18 अप्रैल तक काफी लोग बशर प्रेसिडेंट जो थे उस समय बशर अल असद और अभी भी हैं उनके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पूरी तरह से इस प्रोटेस्ट को दबाया गया असद द्वारा, जो कि नहीं करना चाहिए था, इनको आराम से चीजों को हैंडल करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। और फाइनली यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स ने बोल दिया कि भैया अब वहां पे सिविल वॉर का दौर चल रहा है और अब कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, एक चीज और है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जो एजेंडा था, घुसाओ यूएसए को, घुसाओ जितना हो सके दूसरे मामलों में घुसाओ, ठीक है। बराक ओबामा का ये एजेंडा है, निकालो, बाहर निकालो, जितना हो सके अमेरिकन फोर्सेस को बाहर निकालो, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क था, लेकिन बराक ओबामा ने भी ये बोला था कि ऐसा है, आप केमिकल वेपन्स कभी अटैक नहीं करेंगे। सीरिया से उन्होंने बोला था कि आप केमिकल वेपन्स कभी अटैक नहीं करेंगे, मतलब केमिकल वेपन्स का यूज नहीं करेंगे। दो बिल्कुल बैंड है, केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स, ये आप बिल्कुल यूज ही नहीं कर सकते, आप इसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन सीरिया ने ये कर दिया, तो अमेरिका ने अपनी टोमहाक मिसाइल्स धड़ाधड़ छोड़ी 2017 में और जबरदस्त तरीके से उसको काउंटर किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब आते हैं रिजल्ट्स, क्या हुए इसके रिजल्ट्स, परिणाम क्या हुए अरब स्प्रिंग पे। परिणाम इसके ये हुए कि वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, कुछ बताने लायक रहा नहीं, कि एक चीज तो ये हुई कि कंट्रीज जो थी उसमें वाकई रेवोल्यूशंस तो आए, लेकिन कुछ कंट्रीज में बड़ा अच्छा परिणाम हुआ और कुछ कंट्रीज बिल्कुल गड्ढे में चली गई। तो अगर बोला जाए कि अरब स्प्रिंग बहुत ही ज्यादा सक्सेस हुआ, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। अरब स्प्रिंग सक्सेस नहीं हुआ, एक टूनिशिया को छोड़ के ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूं, सऊदी अरब का इसमें क्या हाल था, काफी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने चीजें भाप ली थी। सऊदी अरब ने ये बोला था, ये सोचा कि यार देखो रेवोल्यूशन हो रहे हैं, वो पहले ही समझ गए कि रेवोल्यूशन हो रहे हैं, हमारे शहर में भी, हमारे देश में भी पहुंचेंगे, पहले से ही लोगों को चीजें देना शुरू कर दो। तो इन्होंने सब्सिडीज देना शुरू कर दिया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और थोड़ा रिफॉर्मेशन, सारी चीजें सऊदी अरब ने कर दिया। तो पब्लिक को रोकने में ये कामयाब हो गए, ठीक है। और पब्लिक को जब पब्लिक खुश तो सब कुछ, ठीक है, उनको लगा, पब्लिक को लगा कि ठीक है, हमको इस देश से मिल गया है तो कोई भी क्रांति की कुछ जरूरत नहीं है, तो ये चीज बड़ी अच्छी हो गई, ठीक है। तो ये सऊदी अरब की कहानी थी। तो और काफी और देशों ने भी ऐसा किया है ना, तो ताकि रेवोल्यूशन को दबाया जा सके और बहुत ही डिप्लोमेटिकली तरीके से, बहुत ही चालाकी से इसको दबाया जा सके। लेकिन अरब स्प्रिंग सक्सेस नहीं हुआ। लीबिया पूरी की पूरी तरह से सिविल वॉर में है, सीरिया का कबाड़ा हो चुका है, सोसाइटल पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया है, वहां पे सोसाइटी ही नहीं बची है, शहर खाली हो चुके हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, रेफ्यूजीज की तादाद बढ़ी है, बहुत ही प्रॉब्लम है। जिन कंट्रीज में इंटरनेट था उस वहां तो बहुत ही अच्छे से चीजें हो गई, टूनिशिया, इजिप्ट, लेकिन जिनमें नहीं था उनका क्या, वो अभी अंजाम भुगत रहे हैं। तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, ये चीज। तो और जब भी भैया मिडिल ईस्ट पे कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो सीधा तेल के दाम है ना ऊपर जाते हैं। ईरान डील में अभी देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जो हैं वो वॉकआउट कर गए हैं, और अब देखिएगा क्या क्या होता है, ठीक है ना, उसका लेक्चर अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा स्टडी आईक्यू पे। तो रिजल्ट्स जो थे बहुत ही सही नहीं थे, बहुत ही अच्छे नहीं थे अरब स्प्रिंग पे। शुरू में तो काफी सक्सेस मिला, काफी लोगों के लिए प्रेरणा भी था, लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई चीजें सही नहीं हुई। और अब तो सीरिया में तो वॉर टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अभी तक चल रहा है और उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। तो ये जरा सोचने की बात है कि अब आगे क्या करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो चीजें बहुत बिगड़ती जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीजें थी। अब क्या हुआ, इससे एक और चीज हुई, टूरिज्म जो था वो घट गया। इनमें टूरिज्म आता था यहां पे इन कंट्रीज में, वो बिल्कुल आना बंद हो गया, ठीक है। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मिलिट्री ने काफी कंट्रोल कर लिया है ना,
कुछ कंट्री देखिए, इजिप्ट और टूनिशिया ने तो चलिए फ्री इलेक्शन करवा लिए, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने नहीं करवा पाई, और सऊदी अरेबिया ने तो जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने बिल्कुल अपने चीज़ों को संभाल लिया है, और जिस तरह से लीबिया और सीरिया फेल हो गए, वहाँ पे सऊदी अरेबिया सक्सेस हो गया। ठीक है, ये सब ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस तरह से उन्होंने अपने चीज़ों को संभाल लिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और काफ़ी सब्सिडीज दे के लोगों का मुंह बंद करने में वो कामयाब हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब देख लीजिए, ये मैप है, ये मैंने आपको पार्ट वन में सबसे पहले दिखाया था और अब सबसे लास्ट में दिखा रहा हूँ। अरब स्प्रिंग के बाद हुआ क्या, आप देख सकते हैं, ये कलर्ड कोडेड है, ठीक है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तुनिशिया सबसे ग्रीन है, यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई बहुत अच्छे से, यहीं पे ही पूरा का पूरा रेवोल्यूशन हुआ है। बाकी इजिप्ट में अभी भी डेवलप हो रही है, ठीक है, लीबिया और सीरिया तो पूरा का पूरा सिविल वॉर में है, यमन भी पूरा सिविल वॉर में है, और सऊदी अरेबिया में जैसा कि मैंने बताया पूरा का पूरा नए चेंजेस कर दिए उन्होंने और चीज़ों को दबाने में कामयाब हो गए। तो अब ये मैप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा फाइनली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब ये पूरी की पूरी मैंने टाइमलाइन दी हुई है, शुरू से लेकर अभी तक जो भी हुआ है अरब स्प्रिंग पे वो सब इसमें है। तो इसकी पीडीएफ आप जरूर रखिएगा और समझिएगा इसको। 2010 में टूनिशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, फिर 2011 में फाइनली प्रोटेस्ट जो है वो इन सारी कंट्रीज में चला जाता है, उसके बाद फिर होस्नी मुबारक का पतन, रेजिग्नेशन, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 15 फरवरी को फिर पूरा सिविल वॉर लीबिया में, ठीक है, उसके बाद अगेन 2011 में पूरा का पूरा आर्म्ड फोर्सेस का आना, बैटल ऑफ त्रिपोली, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, आप ज़रूर एक बार इन सब पे नज़र डाल लीजिएगा। ठीक है, ये पूरी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन है ये, ठीक है, तो ज़रूर डालिएगा इस पे नज़र, और ये आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी काम आएगी, सारी टाइमलाइन जितनी भी है पूरी की पूरी 2014 तक है। ठीक है, तो फाइनली ये मेरे लेक्चर का एंड है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, पार्ट वन और पार्ट टू अरब स्प्रिंग का है, सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। ठीक है, तो मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।